नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ईपीएफओ यानी पीएफ के दो नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि जो दो नए पीएफ के अपडेट्स आए हैं वो आप पीएफ मेंबर्स के लिए किस तरीके से मददगार साबित होने वाले हैं। नुकसानदायक तो होने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईपीएफओ के पहले अपडेट के बारे में बता देता हूं। तो इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यहां पर एक स्क्रीन देख सकते होंगे, जिसमें मैंने अपना जो ईपीएफओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है वो ओपन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लगभग 19 से 20 घंटे पहले एक ट्वीट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ईपीएफओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो है @socialepfo। तो आप किसी भी अन्य ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल पर ना पड़े, यही ईपीएफओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ईपीएफओ ने इस ट्वीट के साथ दो जो इमेज है नीचे वो यहाँ पर अटैच कर रखी है। ठीक है, तो अटैच यही जो दो नए ईपीएफओ के हैं यही अपडेट होने वाले हैं। सिंपली एक हिंदी में लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में, बाकी अपडेट सेम है। तो आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे समझ आए आप उसे ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ओपन भी कर लिया है, क्योंकि भाई हिंदी आपको भी अच्छे समझ आएगी और मुझे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ईपीएफओ अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड एडवांस लेने की अनुमति देता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप अगर एडवांस फॉर्म भरते हो कोविड-19 का पैरा सिलेक्ट करके, तो वहाँ पर एक ही बार वो ऑप्शन आता है, लेकिन अब आप दूसरी बार भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप नीचे पढ़ो तो नीचे भी यही लिखा हुआ है, जो ईपीएफ सदस्य पहले कोविड-19 एडवांस ले चुके हैं वे अब दूसरी बार एडवांस लेने का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप पीएफ एडवांस कोविड-19 का पैरा सिलेक्ट करके निकाल चुके हो तो आप दूसरी बार भी ये निकाल सकते हो कोविड-19 का पैरा सिलेक्ट करके पीएफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जल्दी आ जाता है। ठीक है ना, पीएफ तो ये मैटर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। ये पहले भी अपडेट आ चुका है, लेकिन ईपीएफओ ने दोबारा इसे अटैच किया है। अब देखिए, दूसरा वो अपडेट है वो क्या लिखा हुआ है, मतलब अपडेट नहीं, सॉरी, दूसरा ऑप्शन, सदस्य अपने पीएफ में जमा राशि से 75% तक कर्मचारी एवं नियोक्ता का भाग अथवा 3 माह के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता अथवा क्लेम की गई राशि जो भी कम हो की निकासी कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है, मेरे पास इससे लेकर बहुत से क्वेश्चंस आए, मैसेजेस आए, कमेंट भी आई कि सर, जो भी हमारा ईपीएफओ में एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर होता है, अगर हम एडवांस निकाल के हमने एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर में से कोई एक शेयर मतलब बिल्कुल जीरो ही कर दिया है, 400-500 रुपये बचे हैं, तो जब मैं अब अपना एडवांस पीएफ निकालूंगा तो क्या 75% निकल जाएगा? और निकलेगा भी तो 75% कैसे निकलेगा? जो 400 रुपये बचे हैं और जो 9,000-10,000 बचे हैं उसे जोड़ के, मतलब एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर में, वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे ईपीएफओ ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आपका कोई एक शेयर यानी एम्प्लॉय शेयर ख़त्म भी हो गया है, 400 या 500 रुपये बचे हैं और एम्प्लॉयर शेयर में ज़्यादा पैसे हैं, तो भी आप 75% एडवांस निकाल सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर में से किसी एक राशि को ज़्यादा बार निकाल चुके हैं एडवांस पीएफ में और वो ख़त्म होने पे आ गया है, तो आप दूसरी बार भी एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं और आप भी सिंपली 75% पीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था कुछ अपडेट। आप देखिए नीचे क्या है, सबसे बड़ी बात, क्लेम की गई राशि 3 कार्य दिवसों के भीतर निपार किया जाएगा। मतलब ये लिखा है कि इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए मिस्टेक हो सकती है, कि अगर आप जो क्लेम करते हो पीएफ का क्लेम करते हो एडवांस में, तो वो 3 वर्किंग डेज में ही आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा जो अपडेट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एडवांटेज है वो यही है। ठीक है, तो यही था कुछ अपडेट। पहला अपडेट तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए दूसरा अपडेट आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये अपडेट है एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, मतलब जो भी हमारे कंपनी वाले होते हैं, ठेकेदार एम्प्लॉयर होते हैं, उनके लिए अपडेट है कि भाई जिनके भी पीएफ मेंबर्स हैं जो भी, ठीक है, अगर उनके पीएफ में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ईसीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। ये पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी ईपीएफ ने दोबारा ट्वीट किया है कि अगर आपके पीएफ में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप ईसीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सभी एम्प्लॉयर्स को, जो मैसेज मैं दिखा रहा हूँ, ये सभी एम्प्लॉयर को उनके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे
टेक्स्ट मैसेज भेजा जा रहा है कि जो भी आपके पीएफ मेंबर्स हैं उन्हें थोड़ा जो अपना वो भी आधार कार्ड है वो आपके पीएफ से लिंक करने कहें, अदरवाइज वो ईसीआर नहीं कट पाएंगे और उनका पीएफ बंद हो जाएगा। दोस्तों यही था कुछ अपडेट, क्योंकि मेरी वही कोशिश रहती है कि भाई जो भी आपका पीएफ का अपडेट आता है वो आप लोगों से शेयर करना। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह की पीएफ से रिलेटेड मददगार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।